दिवंगत आत्माओं की याद में तमसा नदी देहरादून में पिछले महीने अगस्त माह में स्वतंत्रता दिवस के सुअवसर पर पुस्तकालय समिति और सद्भावना मंच कोलागढ़ दीनदयाल नगर द्वारा एक वृक्षारोपण अभियान चलाया गया था। यह अभियान उन लोगों की याद में जिन्होंने जो दिवंगत हो चुके थे और जिनके सगे संबंधियों को उनकी याद को उनकी स्मृति को बनाए रखने के लिए संस्था द्वारा यह अभियान चलाया गया कि एक एक वृक्ष रोपा जाए तथा उनका नामांकन उन्हीं के पूर्वजों के नाम पर लगाया जाए। लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और आसपास सैकड़ों पौधों का रोपण किया गया था। इस माह पितृ विसर्जन के लिए अमावस्या को सभी सदस्यों ने फिर एक बार इकट्ठे होकर वृक्षों के नामांकित सदस्यों के श्राद्ध तर्पण का कार्य वृक्षों के पूजा अर्चन के साथ संपन्न किया। यह कार्य कराने में तथा इसको प्रोत्साहित करने में सुरेंद्र सिंह बिष्ट का विशेष योगदान तथा उनका सराहनीय कार्य सभी लोगों को बड़ा पसंद आया है। लोगों ने एक मुलाकात के साथ यह बताया कि यह कार्य यह अपने आप में उल्लेखनीय है। हम अपने पूर्वजों की स्मृति के साथ पौधों के साथ और इस हरियाली और वृक्षारोपण के अभियान के साथ हम लोगों की यादें ताज़ा रहती हैं तथा यह कार्य सदैव होता रहना चाहिए, ऐसा सभी लोगों ने आशा जताई। लिस्ट जी, ये जो कार्यक्रम है आपका, ये मृत आत्माओं के वृक्षारोपण को लेकर, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? ये असलियत में ये है कि देहरादून में ये जो पुस्तकालय समिति और एक दूसरा मंच है, वहाँ पर इसके संयोजक जो SS बिष्ट हैं, सुरेंद्र सिंह बिष्ट हैं, एक बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। रिस्पना नदी के किनारे ये जो है ये वृक्ष लगा रहे हैं। उन वृक्षों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हर वृक्ष जो है किसी नामांकित व्यक्ति के नाम पर है और उसके जो परिजन हैं वही उसका ये है कि वृक्षारोपण भी करते हैं, निराई गुडाई भी करते हैं। ये जो है 15 अगस्त को उन्होंने लगाए थे पिछले, उसमें हमने आपके माध्यम से यह है कि उसके फोटोग्राफी करवाई थी। अभी इन्होंने पितृविसर्जन अमावस्या के टाइम पर उनकी पुनः ये है कि उसी तरह से जिस तरह से कि हम अपने पितरों का विसर्जन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनका अर्चन करते हैं, इसी तरह से इन्होंने ये है कि उन वृक्षों के पास भी जा कर के अपना सारा पुष्प नैवेद्य लेकर के उन वृक्षों का पूजन किया है। इसका स्पष्ट अर्थ ये जाता है कि वो वृक्ष नहीं बल्कि वो महापुरुष हैं जिनके के नाम से ये वृक्ष लगाए गए हैं, ये उसका औचित्य है। क्या उद्देश्य क्या है उसका? उद्देश्य ये है कि हम एक तो हरियाली पैदा करें क्योंकि वह स्थान जो है वो रिक्त स्थान है। दूसरा इसका उद्देश्य ये है कि हम यदि वृक्ष लगा रहे हैं तो हम किसी ऐसे लोगों के नाम से उन वृक्षों को लगाएं कि उनके जो परिजन हैं वो उसकी स्वयं देखभाल करें और ये है कि वो एक बहुत अच्छी हरियाली उस नदी के किनारे दे सकें, नंबर एक। नंबर दो ये है कि जो वो संरक्षण होता है, वो क्षरण होता है, उसके संरक्षण के लिए ये है कि इन पेड़ों को नदी के किनारे लगाया जाना बहुत अच्छा है। देश और समाज को क्या संदेश क्या देना चाहेंगे? देश और समाज के लिए तो ये है कि हर प्रकार की जितनी भी हमारे यहाँ पर ये है कि चाहे वो प्रादेशिक हैं, चाहे उत्तराखंड से संदर्भित हैं या अन्य प्रदेशों में हैं, ये लोग भी ये है कि इस तरह से ये है कि वृक्षारोपण करें, क्योंकि सरकार भी वृक्षारोपण तो करवाती है। तो अच्छा है ये कि यदि प्रत्येक आदमी को उसके परिजन के नाम से यदि वो वृक्ष दिया जाता है और उसका संरक्षण करने के लिए यदि स्वयं उस आदमी को ट्रिब्यूट किया जाए तो ये एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। वो वृक्ष यदि कभी बड़ा होगा तो उसका एक स्पष्ट अर्थ यह जाएगा कि वो वृक्ष नहीं बल्कि वो एक पितृ है जिसकी कि हम वहाँ पूजा करते हैं। ये तो बहुत अच्छा संदेश जा सकता है, इसकी तो कोई वो ही नहीं है। हरियाली भी होगी और ये है कि चाहे वो सड़कों के किनारे हो, चाहे किसी पार्क में हो, इस तरह के वृक्ष लगाना तो बहुत अच्छी बात है। इनमें आम है, पीपल है, बरगद है, ये जो हैं ये बहुत अच्छे वृक्ष हैं, वायु भी देंगे
और ये है कि भूक्षरण को भी रोकने का काम करेंगे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।